आज हम बनाएंगे ये डिजाइनर ब्लाउज, इसे ऑफ शोल्डर ब्लाउज भी कहते हैं। इसके आगे और पीछे इस तरह से ये फ्रिल आती है जो बहुत ही सुंदर लगती है, काफी ट्रेंडिंग में भी है। इसके साइड में हमने जिप लगाई है ताकि हम आसानी से इसको पहन सके। और ये हमने वन डार्ट में बनाया है जो कि इसमें बहुत अच्छे से पफ आया है। तो कटिंग से लेके जिप लगाने तक पूरा मेथड इस वीडियो में बताया है और वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए देखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। वैसे तो हमने ये ब्लाउज 36 इंच फुल बस्ट साइज के अनुसार बनाया है, लेकिन मेथड मैंने ऐसा बताया है जिसके अनुसार आप हर एक साइज का ब्लाउज बना सकते हो। तो ये मैंने 80 सेंटीमीटर लाइनिंग लिया है, 80 सेंटीमीटर मेन फैब्रिक लिया है और बस थोड़ा सा कपड़ा हम लेंगे फ्रिल के लिए। तो सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को मैंने बिछा के रखा है, तैयार लंबाई है हमारी 13 इंच, उसमें 1 इंच हम मिलाएंगे एक्स्ट्रा का और 14 इंच पर मार्क करके लाइन बना दी। नॉर्मली मैं बंद गले के ब्लाउज में मेरा शोल्डर लेती हूँ 7.5 इंच, लेकिन यहाँ पर हम ऑफ शोल्डर ब्लाउज बना रहे हैं तो आधा इंच बढ़ा कर लेंगे। अब मैं आर्म होल मुड्डे का साइज मेरा है 7.25 इंच नॉर्मल ब्लाउज में, लेकिन यहाँ पर मैं 1 इंच कम लूंगी तो मैंने यहाँ पर लिया 7.75 इंच। तो ऑफ शोल्डर ब्लाउज में आपको शोल्डर आधा इंच बढ़ा कर लेना है और आर्म होल 1 इंच कम लेना है। अब देखो ऊपर की तरफ 8 इंच है तो नीचे की तरफ 7 इंच पर मार्क करेंगे, मतलब जितना ऊपर की तरफ शोल्डर है उससे 1 इंच कम नीचे की तरफ मार्क कीजिएगा और ये लाइन जोड़ दीजिएगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर 34 इंच मेरी चेस्ट है, उसका चौथा हिस्सा होता है 8.5 इंच, उसमें आधा इंच लूजिंग डालकर 9 इंच पर मैंने मार्क किया। अब कमर है हमारी 30 इंच, उसका चौथा भाग होता है 7.5 इंच, उसमें 1 इंच डार्ट का एक्स्ट्रा लेंगे और 8.5 इंच पर मैंने मार्क किया। अब ये लाइन ऊपर की तरफ जोड़ दी और 2-2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन रखा है और लाइन बना दी। अब इस कोने से 1.5 इंच तिरछा लेंगे मुड्ढे के शेप के लिए, यानी आर्म होल शेप के लिए, और इस तरह से यहाँ पर शेप बनाएंगे। तो ये हम आगे का और पीछे का सेम ही रख रहे हैं। अब यहाँ पर ये हम मार्क करेंगे 6 इंच पर। गले की चौड़ाई हमने रखी है 6 इंच और गले की लंबाई हम रख रहे हैं 4.5 इंच। तो ये जो 4.5 इंच गले की लंबाई रखी है ये आगे और पीछे सेम रहेगी और बस इस तरह से मैंने शेप दे दिया। अब नीचे की तरफ जो भी है उसका आधा करेंगे पॉइंटेंगे और ये जो चेस्ट लाइन है उसके नीचे 1 इंच लेंगे डार्ट की लंबाई, इस तरीके से आप देख सकते हो 1 इंच मैंने नीचे लिया है और दोनों तरफ आधा आधा इंच रखकर डार्ट की चौड़ाई का मार्क करेंगे। तो बस हो गया हमारा पीछे के पल्ले का कटिंग। अब बस जैसा ड्रॉ किया है वैसा हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आगे और पीछे का आर्म होल सेम रहेगा और गले की चौड़ाई और लंबाई भी आगे और पीछे की तरफ सेम रहेगी। तो ये डार्ट का मार्किंग हमने इस तरफ भी कर दिया। अब आगे का पल्ला कटिंग करेंगे, उसके लिए भी कपड़ा फोल्ड करके लिया है और इसको बराबर से फोल्ड वाली साइड में रख दिया है। अब जैसा नेक का शेप है, जैसा भी गले का शेप है वैसा ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जैसा भी मुड्ढे का शेप है यानी आर्म होल शेप है वैसा ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एकदम बराबर से मार्क करेंगे, नीचे की तरफ भी जितनी भी लंबाई है वो मार्क करेंगे। लंबाई का जो लाइन है वो मैंने डॉट लाइन बनाई है इस तरीके से। अब ऊपर से टक्स पॉइंट का मार्क करेंगे, 36 इंच फुल बस्ट है, उसका चौथा हिस्सा होता है 9 इंच, उसमें 1 इंच मिलाकर टक्स पॉइंट का मार्क किया है, आप भी वैसा ही कीजिए। फुल बस्ट 36 इंच है, उसका चौथा हिस्सा होता है 9 इंच, उसमें 1/4 इंच लूजिंग दी है और 10.5 इंच पर मार्क किया है। अब ऊपर की लाइन से इस तरह से मिलाते हुए नीचे की तरफ लाइन खींच देंगे, 2-2 इंच सिलाई मार्जिन रख देंगे बाहर की तरफ, जैसे कि हम हमेशा रखते हैं 1.5 इंच या 2 इंच। अब यहाँ पर 36 इंच हमारा फुल बस्ट है तो उसका 10वां भाग करेंगे 3.6 से मैं 4.25 इंच लेती हूँ। अब देखो 1.5 इंच लंबाई आगे की तरफ हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो पीछे की जो लंबाई की लाइन है डॉट लाइन उसके नीचे 1.5 इंच बढ़ा कर लिया है। अब यहाँ से ये हमारा 4.25 इंच है, मतलब 3.75 इंच, उसमें 1 इंच बढ़ा कर लीजिएगा और नीचे जो हमने लाइन खींची है वहां पर मार्क कीजिएगा। तो नीचे की तरफ मैंने 4.25 इंच पर मार्क किया क्योंकि ऊपर की तरफ 4.25 इंच है।
अब यहाँ से इस तरह से बस तिरछी लाइन बना दीजिएगा, तो ये हमारी डार्ट लाइन होगी। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये हम जो हमारी पीछे की पल्ले की लंबाई की लाइन थी ना, उस लाइन को हमने जोड़ दिया है इस तरीके से। अब देखो कमर है हमारी 30 इंच, उसका चौथा हिस्सा होता है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर मैंने उंगली को रख दिया है और उसके आगे टेप को रखा, और जितना भी यहां तक आता है ना उसका आधा कीजिएगा और ये मार्क हम यहां पर कर देंगे। मतलब डार्ट की चौड़ाई हमने निकाली है इस तरीके से, और सेम मार्क हम इस साइड में भी करेंगे। तो लो हमें हमारी डार्ट की चौड़ाई का एकदम एक्यूरेट माप मिल जाता है। तो यहां हम इस तरह से ऊपर की तरफ इसको जोड़ देंगे। अब बस हो गया फ्रंट का कटिंग भी, तो इसको हम कट कर देंगे। तो इस ब्लाउज में हमने पैड अटैच नहीं किए क्योंकि इसका पफ बहुत अच्छे से आता है, तो आपको पैड की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ये पूरी तरह से ऑफ शोल्डर है, ये हल्का सा एकदम शोल्डर के साइड में टिका हुआ रहता है, तो ये पूरी तरह से ऑफ शोल्डर नहीं। अब ये दोनों तरफ डार्ट का मार्किंग तो हमने कर दिया। अब देखो इस तरह से जब हम डार्ट लेंगे, डार्ट लेने के बाद यहां पर देखिए पॉप बहुत अच्छे से आता है। अब हम ये कमर का नाप देखेंगे, तो देखो ये बराबर से एकदम 7.5 इंच आ रहा है, जो कि कमर का चौथा हिस्सा होता है 7.5 इंच। फ्रंट और बैक दोनों पल्ले कटिंग हुए और दोनों को मैंने फोल्ड वाली साइड में रखा है क्योंकि हम साइड में जीप लगा रहे हैं, और जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा एक्स्ट्रा रखकर कट करेंगे क्योंकि जब हम लाइनिंग जोड़ते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है इसलिए। और गले का नाप मैंने अभी नहीं कटिंग किया, वो हम बाद में करेंगे। अब हम फ्रील का कटिंग करेंगे, तो कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके लीजिएगा और कोई भी पीछे का या आगे का कोई भी पल्ला लीजिएगा क्योंकि दोनों साइड में नेक का शेप तो सेम है, और बस नेक का शेप हम यहां पर निकाल देंगे। निकालने के बाद यहां पर मैंने फ्रिल की लंबाई 5 इंच रखी है, तो ये शोल्डर के ऊपर ये 5 इंच चौड़ा आएगा इस तरीके से। ये मैंने 5 इंच चौड़ा रखा है, आप चाहो तो 6 इंच भी रख सकते हो या 4 इंच भी रख सकते हो। और नेक के साइड में मैंने 3 इंच रखा है, तो ये 5 इंच और ये 3 इंच इस तरह से हम जोड़ देंगे। अगर आप चाहते हो तो नेक की साइड में भी आप 5 इंच का मार्क कर सकते हो। देखिए यहां से ये सेंटर में 4 इंच होगा और यहां पर इस तरह से मार्क कीजिएगा ताकि आपको शेप निकालने में आसानी हो। यहां पर ये 3 इंच है और यहां पर ये 5 इंच है, आप चाहो तो चारों और 5-5 इंच लेकर मार्क कर सकते हो। तो ये मैंने कट कर दिया इस तरह से, ये हमारा फ्रील का लाइनिंग कट हो चुका है। अब ये जो लाइनिंग है ना, यहां पर हम 2 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और यहां से इस तरह से तिरछा शेप देंगे। ये जो हमारा शोल्डर स्लोप होता है ये इसका मार्क है, ताकि ये हमारे बाजू की ओर अच्छे से बैठा रहे, उड़े नहीं, एकदम अच्छे से फिटिंग में बैठेगा। अब इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूं ये किस तरह से बैठता है। तो देखो ये बैक पल्ले में आपको जोड़ के दिखाती हूं, तो ये बिल्कुल इस तरह से बैठेगा और ये इस तरह से हमारा स्लोप रहता है जो कि फिटिंग में बैठता है। तो ये तो हुआ एक साइड का, हमें आगे और पीछे दोनों साइड में फ्रिल लगानी होती है। तो एक और इसी तरह से हम कट करेंगे फोल्ड के कपड़े के ऊपर रखकर। तो इस तरह से ये दो फ्रिल के लाइनिंग हमें मिल चुके हैं, एक आगे और एक पीछे। अब इस फ्रिल के लाइनिंग के कपड़े को हम रखेंगे हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर। तो फ्रील के लिए जैसा मैंने कहा, मैंने अलग सा कपड़ा लिया है ब्रोकेड का, आप चाहो तो सेम ब्लाउज के कपड़े में भी फ्रील कट कर सकते हो। तो इसको मैंने पिंस लगा कर लिया। लगाने के बाद ये जो फ्रील की नीचे की साइड है वहां से मैं सिलाई लगा रही हूं। ये आप चाहो तो डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से अगर आप सिलोगे तो आपका कपड़ा ऊपर नीचे या कम ज्यादा नहीं होगा। तो इसे बिल्कुल मैंने सीधी साइड के ऊपर रखा है और सिलाई की, लेकिन सिलाई करते समय पिंस लगाना मत भूलिएगा। अब पिंस को मैंने निकाल दिया और हमने नीचे से तो सिलाई लगाई है, तो जैसा हमारा लाइनिंग का कपड़ा है वैसा मैंने नीचे का कपड़ा कट कर दिया, क्योंकि सिलाई तो हमने लाइनिंग के कपड़े के ऊपर लगाई है। और सिलाई मार्जिन ज्यादा मत रखिएगा, 1/4 इंच रखोगे तो भी चलेगा। तो एक फ्रिल में साइड में रखूंगी और एक में बताऊंगी। तो देखिए यहां पर हम इस तरह से कट्स लगाएंगे, लेकिन
कट्स जो है सिलाई के ऊपर नहीं जाएगी। इस तरह से छोटे छोटे पास पास कट्स लगा दीजिएगा ताकि पलटने के बाद ये पूरे गोलाई में आ जाए। अब इसको पलट दीजिएगा। इस तरीके से पलटने के बाद इसको एक बार आयन जरूर कीजिएगा ताकि ये बहुत अच्छे से इसका शेप आता है और सिलाई भी हमें लगाने में परेशानी नहीं होगी। तो मैंने आयन करके लिया है और फिर हम ऊपर की साइड में सिलाई लगाएंगे। तो ये डायरेक्ट मैं कपड़े के ऊपर भी कट कर सकती थी, लेकिन क्या होता है ना, ये थोड़ा क्रॉस होता है तो क्रॉस की वजह से कपड़ा खींचने का डर रहता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट सिलाई करके इसका कटिंग किया। तो जरूरी है कि कपड़े की खींचातानी ना हो, वरना ये फ्रिल लूज पड़ जाती है नेक के ऊपर। तो ये बहुत अच्छे से आई है। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी हमने तैयार करके ली है, तो फ्रिल तो हमारे दोनों तैयार है। अब देखिए, सबसे पहले बैक पल्ला जो है, पीछे का पल्ला, उसकी सिलाई करके लेंगे। तो इसको बराबर से मैंने इस तरीके से रखा, जो डार्ट का मार्किंग है वो नीचे की तरफ डाल दीजिएगा और इसको रखकर बस आर्म होल की ओर हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम बस आर्म होल की ओर लगा कर लेंगे और ये लगाते समय आप अच्छे से इसको पिंस लगा कर लीजिएगा ताकि नेक की ओर झोल ना आए, वरना नेक की ओर झोल आएगा। तो हमने बस आर्म होल की ओर सिलाई की है। अब जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर देंगे। कट करने के बाद हमेशा की तरह यहां पर भी आर्म होल में कर्व है, तो जहां पर कर्व होता है, गोलाई होती है, वहां पर हम कट्स लगाना नहीं भूलेंगे। अब पिंस को निकाल दीजिएगा और इसको पलट दीजिएगा। तो ये करने का ये मतलब है कि आर्म होल का फिनिशिंग यहां पर हो जाता है, अलग से कपड़े की पट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, आर्म होल का तो हो गया। अब जो साइड में है वो अभी खुला है, तो उसको भी लाइनिंग के ऊपर ये मेन फैब्रिक अटैच करेंगे, मतलब चारों ओर से सिलाई लगा कर लेंगे। तो सिलाई लगाते समय झोल ना आए, इस तरह से आपको अच्छे से कपड़े को मैनेज करना है और सिलाई लगानी है। अब गले की ओर भी सिलाई लगाते हैं, तो गले की ओर सिलाई लगाते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा झोल पड़ने की संभावना होती है, तो बस उसको अच्छे से मैनेज करते हुए सिलाई लगा दीजिएगा। तो हमने सिलाई लगा दी। अब जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। तो ये सारा एक्स्ट्रा का कपड़ा हमने निकाल दिया। अब हम आर्म होल की ओर सिलाई लगा देंगे। तो ये वाली सिलाई आप पहले भी लगाओगे, मतलब जिस टाइम आप साइड से सिलाई लगा रहे हो उस टाइम लगाओगे तो भी चलेगा। तो हमने ये लास्ट में लगाई है, बिल्कुल किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर टच कीजिएगा और साथ ही में ये वाला बेल बटन भी दबा दीजिएगा, इससे हमारी हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहेगी। अब बारी आती है यहाँ पर डार्ट लगाने की, तो डार्ट को भी लगा कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले से मार्किंग किया है, बस उस मार्किंग के ऊपर फोल्ड करके आधा इंच यहाँ पर डार्ट की चौड़ाई रखते हुए ऊपर तक लेके जाएंगे, इस साइड में भी। तो डार्ट लगाने के बाद ये देखिए इसका लुक। तो ये साइड से इस तरह से कोने उतरे हुए नजर आएंगे, तो इसको बीच में फोल्ड कीजिएगा और यहां से इसको यहां तक कट लगा दीजिएगा। तो ये कट हम पौना इंच ऊपर लगाएंगे, इससे ये बिल्कुल सीधे में आ जाएगा। तो ये मैंने कट कर दिया और ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट नजर आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो चुका। अब हम इसको नीचे की तरफ, ये लगभग 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको एक साइड में मैंने फोल्ड करके लिया है और इसे हम यहाँ पर लगाएंगे जिस तरह से हम नॉर्मली ब्लाउज में लगाते हैं। तो जो हमने साइड में कट किया है उससे हमारी ब्लाउज की लंबाई बिल्कुल भी कम नहीं होगी, क्योंकि ये साइड से कट जाता है, बीच में उसकी लंबाई वैसे ही बनी रहेगी। अब इस पट्टी को मैंने ऊपर की तरफ बड़े टाकों वाली सिलाई लगाई है, बाद में हम इसको हैंड स्टिच करेंगे। अब ये हमारा बैक पैटर्न तैयार है। अब बारी आती है फ्रंट पैटर्न तैयार करने की। तो इसको भी मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से रखेंगे। जो डार्ट का मार्किंग किया है वो अंदर तरफ रखिएगा और यहाँ पर भी पहले हम आर्म होल की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इसे भी इस तरह से आड़े में पिंस लगा कर लीजिएगा, इससे झोल नहीं आएगा। और फिर हम आर्म होल की ओर सिलाई लगाएंगे। तो एकदम किनारे से सिलाई लगाइएगा, ज्यादा सिलाई मार्जिन हम नहीं रखेंगे। इस साइड में भी। अब आर्म होल के और एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है उसे भी हम कट करेंगे।
और कट करने के बाद इस और भी हम हमेशा की तरह कट्स लगाएंगे। तो ये जो मैं कट्स लगाती हूँ इसे नॉचर कहते हैं। ये छोटी कैची होती है, आप अपने नॉर्मल कैची से भी कट्स लगा सकते हो। उसके बाद हम इसको पलट देंगे, पलटने से ये आमूल की सिलाई अंदर की तरफ चली जाती है और इसको अलग से फिनिशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके भी हम किनारे से सिलाई लगाएंगे, तो ये बिल्कुल मैं किनारे से सिलाई लगा रही हूँ। और फिर ये जो साइड है वो खुले हैं, उसको भी बंद कर देंगे। साइड से नीचे से अच्छे से सिलाई लगाएंगे बिना झोल आए हुए, और इस और भी आमूल के किनारे से सिलाई लगाएंगे। अब बारी आती है गले की ओर, तो गले की ओर भी कपड़े को अच्छे से मैनेज करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब हम जो गले की ओर एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको कट कर देंगे, और साइड से भी नीचे से जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको हम कट करेंगे। अब कट करने के बाद बारी आती है डार्ट लगाने की, तो मार्किंग पहले से ही कर रखा है, बस उसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद यहां पर भी आपको इसके कोने उतरे हुए नजर आएंगे, तो इसको भी हमें कट करना है। तो जैसा हमने बैक साइड में 0.25 इंच ऊपर लेकर, मतलब 0.75 इंच ऊपर लेकर कट किया था, सेम उसी प्रकार यहां पर भी हम कट करेंगे, और यहां इस और भी हम 0.25 इंच ऊपर लेकर कट करेंगे। तो देखो, साइड से 0.25 इंच ऊपर लेकर और बीच में से 0.25 इंच ऊपर लेकर, यानी 0.25 इंच ऊपर लेकर हम कट लगाएंगे। तो इससे हमारी बैक और फ्रंट की लंबाई बिल्कुल सेम रहेगी, बनी रहेगी, और यहां पर ये एकदम सीधे में आएगा। तो इस तरह से बैक पैटर्न आप यहां पर रखकर देख सकते हो, कम ज्यादा लंबाई तो ये बराबर से है, क्योंकि अभी इसके नीचे हमारी पट्टी लगेगी तो बराबर से सिलाई मार्जिन यहां पर छोटा हुआ है। अब ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे हम, ये बिल्कुल सीधे कपड़े में कटी हुई पट्टी है। इसको एक साइड से अंदर की तरफ मोड़कर सिलाई लगाएंगे, और फिर इस पट्टी को इस तरह से रखते हुए यहां पर हम नीचे से सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाते समय एकदम सेंटर में इस पट्टी के ऊपर बड़ी वाली प्लीट लीजिएगा, ताकि जब हम इस पट्टी को अंदर की साइड में पलटे तो यह अच्छे से आ जाए। अब इसको इस तरह से पलटकर एक प्रेस स्टिच लगाएंगे। अब इसको हम उल्टी साइड में लेंगे और इसको ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। तो हमने जो पट्टी के ऊपर प्लीट लगाई है, इससे ऊपर की तरफ मोड़ते समय हमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ डार्ट की वजह से घेरा बढ़ता है फ्रंट पैटर्न का, तो ये पट्टी अच्छे से मैनेज करेगी। अब ये जो डार्ट है ये इसको हम खुला छोड़ेंगे इस तरह से कट करके, इस साइड में भी ये बंद होते हैं सिलाई में, तो इसको इस तरह से कट करके खुला करेंगे। अब ये देखिए, ये पूरी तरह से तैयार है और इसमें बहुत अच्छे से पफ आया है, तो इसमें हमने अलग से पैड नहीं लगाए, आप चाहो तो लगा भी सकते हो। अब हम यहाँ पर शोल्डर जोड़ेंगे, तो फ्रंट पैटर्न के ऊपर बैक पैटर्न अच्छे से रख दिया है और यहाँ पर हम शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम शोल्डर जोड़ देंगे। शोल्डर जोड़ते समय आर्म होल की साइड से अच्छे से मिलाइएगा और फिर सिलाई लगा दीजिएगा। तो शोल्डर जोड़ने के बाद इसको मैं इस तरह से खोल देती हूँ और इसको इस तरह से उल्टी साइड में फोल्ड करके लेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे। अब हमने जो फ्रिल बना के रखी थी उसमें से एक फ्रिल को उठाएंगे और यहां पर लेंगे और ये फ्रिल के सेंटर में भी मार्क करेंगे और इस तरह से इसको गले की ओर अच्छे से मैच करते हुए रखेंगे। और देखिए आपको यहां पर कितना सिलाई आपको लगानी है फ्रिल के ऊपर, तो दोनों फ्रिल हमें जोड़ने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपको ये बराबर से नाप लेकर मार्क करना है, इतना हमारा सिलाई में जाएगा। अब दोनों फ्रिल सेम है तो दोनों का अलग अलग नाप लेने की तो जरूरत नहीं है, तो दूसरी फ्रिल मैं यहां पर लूंगी, बस उस फ्रिल के ऊपर सेंटर में मार्क करूंगी और उसको मैं इस तरह से नीचे की तरफ रख दूंगी और उसके ऊपर ये वाली रखूंगी। अब जो मार्क हमने किया है एकदम उसी मार्क के ऊपर से हमें यहां पर सिलाई लगानी है, इस तरीके से इस साइड में भी। तो यहां पर हम सिलाई लगा कर लेंगे, तो ये दोनों फ्रिल यहां पर एक दूसरे को अटैच हो जाएंगी, जबकि हमारा आगे का और पीछे का गला तो सेम है,
तो दोनों साइड की फ्रिल भी हमारी सेम है। अब यहां पर ये कोने को कट कर दीजिएगा क्योंकि ये कोने बाहर की तरफ नजर आएंगे, तो कोने कट करने के बाद इसको किसी भी एक साइड में मोड़ दीजिएगा और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा दीजिएगा ताकि ये उभरा उभरा नजर नहीं आएगा। इस साइड में भी सिलाई मार्जिन को एक तरफ झुकाकर उसके ऊपर एकदम किनारे से हम सिलाई चलाएंगे। कोना आप अच्छे से कट कर दीजिएगा ताकि ये बाहर की तरफ ना दिखे। और लो हमारी ये गोल फ्रिल तैयार है इस तरीके से। अब इसको बराबर से उल्टी साइड में फ्रिल को रख देंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे इस तरीके से। तो ये पहले से ही नाप लेकर हमने लिया है तो यहां पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं और बस गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो मैं सेंटर से शुरू कर रही हूं, आप चाहो तो शोल्डर की ओर से भी शुरू कर सकते हो ताकि अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा है फ्रिल तो शोल्डर की ओर निकल जाएगा। तो आप शोल्डर से एक शोल्डर से होते हुए दूसरे शोल्डर तक इसकी सिलाई कर सकते हो। तो मैंने सेंटर से शुरू किया है, वैसे हमने ये नाप लिया है तो यहाँ पर कम ज्यादा होने की गुंजाइश तो नहीं रहेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एकदम बराबर से परफेक्टली मैच हुआ है। अब देखो इस तरह से हमने इसको सील दिया है। अब इसको कट्स लगाएंगे, इस तरह से हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और ये कट्स हमारे सिलाई के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सिलाई का ध्यान रखते हुए इन कट्स को लगा देना है और इसको सीधी साइड में पलट देंगे। एक बार पलटने के बाद इसको अच्छे से आयन करके लीजिएगा ताकि गले का शेप जो है अच्छे से उभर कर आता है, जैसे कि मैंने आयन करके लिया है। अब इसके गोलाई में हम सिलाई लगाएंगे, तो यहां से किनारे से एकदम सिलाई लगाएंगे। तो यहां पर मैंने फ्रिल के लिए ब्रोकेड का कपड़ा लिया है इसलिए मैं इसके ऊपर कोई लेस वगैरह नहीं लगा रही हूं। अगर आप ब्लाउज का ही कपड़ा इस्तेमाल करते हो फ्रिल के लिए तो फ्रिल को हाइलाइट्स करने के लिए आप उसके ऊपर लेस लगा सकते हो, पैचेस लगा सकते हो या कोई भी बीड्स मनी का डिजाइन बना सकते हो। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर अटैच कर दी है और ये देखिए इसका लुक इस तरह से रहेगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से प्लेन बैठी है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे, तो इसको उल्टी साइड में मैंने फोल्ड करके लिया है और यहां पर मैंने फिटिंग का निशान लगाया है। ऊपर की तरफ चेस्ट का आधा उसमें 1 इंच मिलाकर 18 इंच पर मार्क किया और नीचे की तरफ कमर का आधा यानी कि 15 इंच पर मार्क किया है। तो इस तरह से एक साइड में हम पूरी सिलाई लगाएंगे और इस साइड में बस यही तक सिलाई लगाएंगे क्योंकि इस साइड में हम लगाएंगे जिप। तो पहले हम जिप लगाएंगे, तो यहां से यहां मैंने सिलाई कर दी है देखिए इस तरीके से, और ये साइड मैंने अभी खुला ही छोड़ा है। जिप लगाने के बाद इस साइड की फिटिंग करेंगे, तो यहां पर हम जिप लगाएंगे। तो इसको सीधे में मैं इस तरह से करके लेती हूं। सीधे में करने के बाद जो भी आपका फिटिंग का निशान है उस निशान के ऊपर इसको मोड़ दीजिएगा दोनों साइड से। और फिर यहां पर मैंने ये सिंपल जिप ली है, ये इनविजिबल जिप नहीं है, आप चाहो तो इनविजिबल जिप भी लगा सकते हो। तो इस जिप को हम यहां पर इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लिया है और इस तरीके से हम इसको नीचे की साइड से इस सिलाई मार्जिन के बीच में इसको लेंगे और इस तरह से दबाते हुए यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये बिल्कुल नॉर्मल फुट से ही मैं सिलाई लगा रही हूं, इस तरीके से हमें यहां पर सिलाई लगानी है। और फिर ऊपर आते आते जिप को हम आगे की तरफ ओढ़ लेंगे और यहां पर हम इस तरह से घुमाते हुए इसको सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। तो देखो इस तरह से हमें बहुत ही सिंपल तरीके से ये जिप लगती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल एक सिलाई में ये लग जाएगी। और नीचे की तरफ फिर से इसको अंदर की तरफ डालते हुए यहां पर हम इसको बंद कर देंगे, आगे पीछे करके लॉक करेंगे। तो देखिए जिप भी लग चुकी है और बहुत अच्छे से लगी है। अब ये देखिए इस तरीके से आप यहां पर मैचिंग जिप लीजिएगा, यहां पर मैंने ये थोड़ा ब्लैक कलर लिया है। अब ये जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा है तो इसको मैं एक्स्ट्रा का जो है उसको कट कर दूंगी, ये मैंने कट कर दिया। अब हम इसकी दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे यानी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जिप हमारी अच्छे से बैठी है, इस साइड में अच्छे से मिलाते हुए हम यहां पर ऊपर से नीचे फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो यहां पर साइड में आप 2 से 3 फिटिंग की सिलाई लगा दीजिएगा
और यहाँ पर हम जीप को लॉक करना भूल गए तो हम कर देते हैं। तो नीचे की तरफ यहाँ पर इस तरह से आगे पीछे करके इसको अच्छे से पक्का कर दीजिएगा। और लीजिए, हमारा ब्लाउज यहाँ पर तैयार है। अगर पूरे वीडियो में कोई भी डाउट्स है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। तो देखिए, ये शोल्डर के एकदम किनारे पे इस तरह से अटका हुआ रहता है, पूरी तरह से ऑफ शोल्डर नहीं होता, जो कि बहुत सुंदर लगता है और बहुत अच्छे से बैठता है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।